Hey everybody, subscribe to my channel and press the bell icon to get notification about new video. Hi guys, I am T2 and aap dekh rahe hai cool and techie YouTube channel. So guys, finally Realme ne apna most awaited smartphone Realme 2 Pro ko India mein launch kar diya hai and jis price mein ye phone launch hua hai, woh kafi dhamakedar hai. Kyunki 20,000 ke niche aapko is phone mein jo features mil raha hai, jo dusre kisi smartphones pe dekhne ko nahi milta hai. जैसे एक यूनिक सा अलग सा डिस्प्ले, एक पावरफुल दमदार प्रोसेसर, एक्स्ट्रा रैम एंड स्टोरेज और बहुत कुछ। बट बजट प्राइस सेगमेंट में अभी तक जो दो लेजेंड्स तहलका मचा रहा था, Redmi Note 5 Pro एंड Asus ZenFone Max Pro M1, अभी इन दोनों का डायरेक्ट कंपटीटर बन गया है Realme 2 Pro। इसलिए आज इस वीडियो पे मैं Realme 2 Pro के साथ Redmi Note 5 Pro एंड Asus ZenFone Max Pro M1 की स्पेसिफिकेशंस एंड प्राइस वाइज एक इनडेप्थ कंपैरिजन करने वाला हूँ एंड बताने वाला हूँ आपके लिए इन तीनों में से बेस्ट डील कौन सा है एंड कौन है असली प्रो। दैट्स व्हाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो फॉर इट। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें तीनों फोन्स की डिजाइन एंड लुक्स के बारे में, तो Redmi Note 5 Pro एंड Asus ZenFone Max Pro M1 आता है मेटालिक बॉडी डिजाइन के साथ एंड पीछे मिलता है वर्टिकली प्लेस डुअल रियर कैमरा सेटअप एंड फिंगरप्रिंट सेंसर। Realme 2 Pro आता है ग्लॉसी ग्लास बैक लाइक डिजाइन के साथ बट बॉडी है प्लास्टिक का एंड पीछे मिलता है हॉरिजॉन्टली प्लेस डुअल रियर कैमरा सेटअप एंड रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। डिस्प्ले की बात करें तो ZenFone Max Pro M1 एंड Note 5 Pro पे मिलता है 5.99 इंच का 18:9 फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले। Realme 2 Pro पे मिलता है 6.3 इंच का 19:5:9 फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, जहां आपको एक छोटा सा क्यूट नॉच देखने को मिलता है एंड Realme इसे ड्यू ड्रॉप नॉच कहता है। Redmi Note 5 Pro एंड Realme 2 Pro की डिस्प्ले के ऊपर Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। बात करें स्मार्टफोन्स की दिल यानी प्रोसेसर के बारे में, तो Asus ZenFone Max Pro M1 एंड Redmi Note 5 Pro पे मिलता है सेम Qualcomm Snapdragon 636 octa-core प्रोसेसर, जो 14 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है, जहां 8 कोर मिलता है 1.8 GHz का Ryzen 260 बेस्ड एंड GPU मिलता है Adreno 509 एंड Realme 2 Pro पे मिलता है Qualcomm Snapdragon 660 octa-core प्रोसेसर एंड EFI 14 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है, जहां 4 कोर मिलता है 2.0 GHz का Ryzen 260 बेस्ड एंड बाकी 4 कोर मिलता है 1.8 GHz का Ryzen 260 बेस्ड एंड GPU मिलता है Adreno 512। परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर Asus ZenFone Max Pro M1 एंड Redmi Note 5 Pro पे आपको ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे बेहतर रिजल्ट आपको सिर्फ Realme 2 Pro पे ही देखने को मिलेगा एंड ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले पे PUBG खेलने का मजा कुछ अलग ही है, इसलिए परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर क्लियर विनर Realme 2 Pro है। रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो Asus ZenFone Max Pro M1 3 रैम वेरिएंट्स के साथ आता है, 3GB प्लस 32GB, 4GB प्लस 64GB, 6GB प्लस 64GB। Redmi Note 5 Pro आता है 2 रैम वेरिएंट के साथ, 4GB प्लस 64GB एंड 6GB प्लस 64GB एंड Realme 2 Pro आता है 3 रैम वेरिएंट्स के साथ, 4GB प्लस 64GB, 6GB प्लस 64GB एंड 8GB प्लस 128GB एंड इसके साथ Realme 2 Pro दुनिया का सबसे चीपेस्ट एंड सबसे पहला स्मार्टफोन बन जाता है जो 20,000 के नीचे आपको 8GB रैम प्रोवाइड करता है। तीनों फोन्स में ही डुअल वोल्टी एंड फेसर लॉक का फीचर मिल जाता है बट Asus ZenFone Max Pro M1 एंड Realme 2 Pro पे डुअल सिम के साथ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिलता है, जहां Redmi Note 5 Pro आता है हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ। तीनों फोन्स में एंड्रॉयड ऑडियो 8.1 का सपोर्ट मिल जाता है बट Asus ZenFone Max Pro M1 पे मिलता है स्टॉक UI, Realme 2 Pro आता है ColorOS 5.2 के साथ एंड Redmi Note 5 Pro आता है MIUI 10 के साथ। बात करें तीनों फोन्स की कैमरास के बारे में, तो यहाँ पर एक महामकबिला देखने को मिलता है क्योंकि तीनों फोन्स में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। Asus ZenFone Max Pro M1 आता है 13 या 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ, Realme 2 Pro आता है 16 प्लस 2 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा कॉम्बिनेशन के साथ एंड Redmi Note 5 Pro पे मिलता है 12 प्लस 5 का रियर कैमरा सेटअप। तीनों में से मुझे ऐसा लगता है Redmi Note 5 Pro का रियर कैमरा क्वालिटी ज़्यादा बेहतर मिलेगा एंड पोर्ट्रेट शॉट्स के मामले में भी Redmi Note 5 Pro पे बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। ZenFone Max Pro M1 6GB रैम वेरिएंट का कैमरा भी Redmi Note 5 Pro की टक्कर का है बट Realme 2 Pro पे भी इस बार कैमरा डिपार्टमेंट में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किया गया है,
AI ब्यूटी के साथ आता है फिर भी पोर्ट्रेट शॉट्स के मामले में मैं यहाँ पर Redmi Note 5 Pro को ही आगे रखूंगा। बाकी तीनों फोन्स में किसका डायनेमिक रेंज ज्यादा बेटर है, किसने ज्यादा डिटेल्स गैदर किया है, ये तो मैं Realme 2 Pro को खरीदने के बाद ही बता पाऊंगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो Asus ZenFone Max Pro M1 Realme 2 Pro पे मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर एंड Redmi Note 5 Pro पे मिलता है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। डे लाइट में तीनों फोन से लिया हुआ सेल्फीज ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा, बट लो लाइट में आपको Asus ZenFone Max Pro M1 Redmi Note 5 Pro पे बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों फोन्स में डेडिकेटेड फ्रंट फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है जो Realme 2 Pro पे मिसिंग है। बैटरीज की बात करें तो Asus ZenFone Max Pro M1 पे मिलता है मैसिव 5000 mAh का बैटरी जो हैवी गेमिंग्स के लिए काफी यूजफुल है। Realme 2 Pro पे मिलता है 3500 mAh का बैटरी जो हैवी यूजर्स के लिए काफी कम लगता है, बट Snapdragon 660 बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है, प्लस आपको इस फोन में AI पावर मैनेजमेंट जैसे फीचर मिल जाता है, इसलिए आपको Realme 2 Pro पे अच्छे बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा एंड Redmi Note 5 Pro पे मिलता है 4000 mAh का बैटरी। लास्ट में बात करें तीनों फोन्स की प्राइस के बारे में तो यहाँ पर Asus ZenFone Max Pro M1 3GB RAM वेरिएंट का प्राइस रखा गया है 10999, 4GB प्लस 64GB का प्राइस रखा गया है 12999 एंड 6GB प्लस 64GB का प्राइस रखा गया है 14999। Redmi Note 5 Pro 4GB प्लस 64GB के लिए आपको पे करना होगा 14999 एंड 6GB प्लस 64GB के लिए 16999। Realme 2 Pro 4GB प्लस 64GB का प्राइस इंडिया में रखा गया है 13990, 6GB प्लस 64GB का प्राइस रखा गया है 15990 एंड 8GB प्लस 128GB का प्राइस रखा गया है 17990। अब आपको इन तीनों फोन्स में से किसके साथ जाना चाहिए? तो दोस्तों, एक जमाना था जब Xiaomi एकलौता कंपनी था जो कम प्राइस में आपको बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड करता था। फिर Asus आया, Honor आया, अब Realme मार्केट पे धमाल मचा रहा है, इसलिए आप कंफ्यूजन भी ज्यादा बढ़ गया है कौन सा फोन ले कौन सा ना ले। आपका बजट अगर 15000 तक हो एंड आप ऐसा कोई एक फोन ढूंढ रहे थे जहाँ क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के साथ अच्छे बिल्ड क्वालिटी, अच्छे प्रोसेसर, अच्छे कैमरास एंड ह्यूज बैटरी बैकअप मिल जाए, तो आपके लिए Asus ZenFone Max Pro M1 लेना बेस्ट होगा एंड मैं आपको Asus ZenFone Max Pro M1 6GB RAM वेरिएंट लेने के लिए रिकमेंड करूंगा। अगर आपको अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट शॉट सेल्फीज लेना पसंद है, इसी प्राइस रेंज में ऐसा कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे जहां अच्छे कैमरास के साथ अच्छे प्रोसेसर मिल जाए एंड आप अगर MIUI की फैन है तो आपके लिए Redmi Note 5 Pro लेना परफेक्ट होगा एंड मैं आपको Redmi Note 5 Pro 4GB RAM वेरिएंट लेने के लिए रिकमेंड करूंगा। एंड आप अगर सिर्फ गेमिंग्स के लिए कोई फ़ोन ढूंढ रहे थे इसी प्राइस सेगमेंट में जहां एक पावरफुल दमदार प्रोसेसर के साथ एक यूनिक डिस्प्ले, अच्छे कैमरास मिल जाए, तो आपके लिए Realme 2 Pro लेना बेस्ट होगा एंड मैं आपको Realme 2 Pro 6GB RAM वेरिएंट लेने के लिए रिकमेंड करूंगा। आपको अगर ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप 8GB RAM वेरिएंट के लिए जा सकते हैं। मुझे अगर पर्सनली इन तीनों में से किसी एक को चूज करना हो तो मैं Realme 2 Pro के साथ जाना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे लिए परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पबजी जैसे गेम्स खेलना मुझे पसंद है, Realme 2 Pro पे Snapdragon 660 जैसे एक पावरफुल प्रोसेसर तो मिलता ही है, प्लस इसका ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले गेमिंग्स का मजा और भी दुगना कर देता है एंड ये फ़ोन इसी प्राइस सेगमेंट में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन भी है, इसलिए मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा Realme 2 Pro, सेकेंड चॉइस रहेगा Asus ZenFone Max Pro M1 क्योंकि मुझे इस फ़ोन का परफॉर्मेंस एंड बैटरी बैकअप बहुत पसंद है एंड मेरा थर्ड चॉइस रहेगा Redmi Note 5 Pro, बट यहाँ पर कैमरास के मामले में मेरा फर्स्ट चॉइस ऑलवेज Redmi Note 5 Pro ही रहेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आपको ये कंपैरिजन वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स पे जरूर बताना एंड साथ में ये भी बताना इन तीनों फोन्स में से आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे। प्लस इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना एंड इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना एंड साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।